आज जो हम करने लगे हैं वो है मसल की डेवलपमेंट इन एम्ब्रियो। ठीक है, आप ये देखो तो ये आपको एक एम्ब्रियो नजर आ रहा है, इसका एक्चुअल साइज जो है वो 4 मिलीमीटर होता है। अगर आप एम्ब्रियो के क्रॉस सेक्शन में जाएं तो मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था एक नोटोकॉर्ड होती है, नोटोकॉर्ड से ऊपर यहां पर होती है एक्टोडर्म और इसके नीचे होती है एंडोडर्म। ये एक्टोडर्म 3 लेयर्स होती हैं, ये वाली सारी मीजोडर्म है, ये एम लिख रहा हूं मैं, और ये वाली आपकी ये एक्टो है ई सी और ये आपकी एंडोडर्म है। ठीक है, अब ये जो आपकी मीजोडर्म थी नोटोकॉर्ड के अराउंड, तो ये 3 हिस्सों में हमने इस मीजोडर्म को डिवाइड किया था। एक को हमने कह दिया था पार एक्सियल मीजोडर्म ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि एक्सिस जो डिफाइन कर रही है वो नोटोकॉर्ड कर रही है। ये बनाती थी सोमाइट्स, मैं आपको दिखाऊंगा सोमाइट्स कैसे होते हैं। तो पार एक्सियल मीजोडर्म बना रही थी सोमाइट्स, इसके साथ ही आपकी लैटरल प्लेट मीजोडर्म, सॉरी इंटरमीडिएट मीजोडर्म, दरमियान वाली मीजोडर्म, इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट मीजोडर्म। तीसरी आपकी थी लैटरल प्लेट मीजोडर्म, ये वाली। अब इसे लैटरल प्लेट क्यों कहा, क्योंकि ये लैटरल साइड पे है। इसके 2 पार्ट्स थे, एक इसका था सोमैटिक और दूसरा इसका था स्प्लैंकनिक पार्ट। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं, तमाम मसल्स जितने भी हैं वो मीजोडर्म से बनेंगे, एक्सेप्ट कुछ मसल्स एक्टोडर्म से बनते हैं, वो मैं आपको कल बता चुका हूं। उसमें फिब्रिलरी मसल्स हैं, मायो एपिथेलियल सेल्स ऑफ द मेमोरी ग्लैंड है, ठीक है, और कुछ ग्लैंड्स के जो मसल्स होते हैं वो एक्टोडर्म से बनते हैं, बाकी तमाम बॉडी के मसल्स जितने भी हैं वो आपके बनेंगे मीजोडर्म से। और मीजोडर्म को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, एक को हमने कह दिया पार एक्सियल मीजोडर्म ऑन बोथ साइड्स, उसके साथ है इंटरमीडिएट मीजोडर्म और तीसरी है आपकी लैटरल प्लेट मीजोडर्म। जो पार एक्सियल मीजोडर्म है वो बनाती है सोमाइट्स, 3 सोमाइट्स एक दिन में बनते हैं, तो तकरीबन 44 के करीब सोमाइट्स होते हैं एक एम्ब्रियो में, 44 के करीब सोमाइट्स होते हैं, और वो किससे बनते हैं, पार एक्सियल मीजोडर्म से। उसके बाद आप लैटरल प्लेट मीजोडर्म की तरफ आओ तो उसके 2 पोर्शन थे, एक बाहर की साइड पर था जिसको हम कहते हैं सोमैटिक और एक अंदर की साइड पर था जिसको हम कहते हैं स्प्लैंकनिक। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम स्केलेटल मसल्स को। स्मूथ मसल्स के बारे में आपको सिर्फ इतना बता देता हूं कि जो एंडोडर्म के अराउंड ये स्प्लैंकनिक मीजोडर्म होती है ये बनाती है स्मूथ मसल्स ऑफ द जीआईटी, और ऊपर अगर हार्ट ट्यूब बनेगी तो यही स्प्लैंकनिक मीजोडर्म जो है वो हार्ट के मसल्स को बनाएगी। बाकी जो मसल्स हैं ये वाले स्केलेटल मसल्स वो इनसे बनते हैं। वो कैसे बनते हैं, सबसे पहले मैं आपको सोमाइट दिखाता हूँ, सोमाइट कैसे होता है ये देखिए, ये आपको बीडेड स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये सोमाइट्स हैं आपके, ये एम्ब्रियो के सोमाइट्स हैं और ये तकरीबन 44 होते हैं टोटल। तो ये देखें इस पे इन्होंने सोमाइट्स मेंशन भी किया है। तो ये सारे के सारे जो हैं फ्रॉम क्रेनियल एंड टू द क्वाडल एंड ये सोमाइट्स हैं ऑन बोथ साइड्स। ये देखें इस डायग्राम को देखें कि नोटोकॉर्ड के अराउंड बोथ साइड्स ये सोमाइट्स आपके पड़े। अच्छा, अब जो चीज आगे इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं जो बताने लगा हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी फ्रिंजल आर्चेस। सोमाइट से ऊपर हेड और नेक के मसल्स जो हैं वो बनते हैं सोमाइट से, सॉरी फ्रिंजल आर्चेस। ये टोटल 6 होती हैं, 1, 2, 3, 4 यहां मेंशन की हुई है, बल्कि 3 की हुई है, तो टोटल ये कितनी है, 6। 6 में से जो 5th होती है वो रीग्रेस कर जाती है, ये बात याद रखें। जो 5th फ्रिंजियल आर्च है ये देखें, ये आपकी रीग्रेस कर गई थी, तो 4 और 6 मिलकर एक आर्च बनाती है। तो टोटल देर आर 4 आर्चेस, फर्स्ट आर्च, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो आर्च है ये 6 के साथ मिलकर एक आर्च बनाती है, कंबाइन हो जाती है, तो ये हमारी फेरेंजियल आर्चीज है। अच्छा, ये फेरेंजियल आर्चीज जो हैं ये फ्यूचर में आपके हेड और नेक के मसल्स को बनाएगी, उसकी नर्व्स को बनाएगी
और टंग और डिफरेंट स्ट्रक्चर जो हैं वो बनाए। तो हम यहीं से शुरू करते हैं, हेड एंड नेक के मसल से। पहला टॉपिक है हमारा द मस्कुलर मस्कुलेचर ऑफ हेड एंड नेक डेवलपमेंट। आप लोग अभी अपनी ग्रॉस की क्लासेस में सिर्फ हेड और नेक ही पढ़ रहे, तो आपके लिए समझना बहुत आसान है। सबसे पहले फर्स्ट फ्रिंजल आर्च देखते हैं, ये वन, ये फर्स्ट फ्रिंजल आर्च। अगर आप इसकी नर्व को सीख लोगे तो आपको इसके मसल्स की आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको इसकी नर्व के बारे में बता दूं। जो फर्स्ट फ्रिंजल आर्च है वो मसल ऑफ मैस्टिकेशन, मसल ऑफ मैस्टिकेशन, मैस्टिकेशन मसल्स वो जो चबाने का काम करते हैं, तो वो आपकी क्रेनियल नर्व 5 से सप्लाई होते हैं। इसको हम कहते हैं ट्राइजेमिनल नर्व। तो अगर आपको नर्व का नाम पता चल गया तो आपको उसके मसल्स की डेवलपमेंट भी पता चल जाएगी। तो फर्स्ट फ्रिंजल आर्च से बनती है 5th क्रेनियल नर्व, दैट इज अ ट्राइजेमिनल नर्व। और ट्राइजेमिनल नर्व जो है वो सप्लाई करती है आपके मसल्स ऑफ द मैस्टिकेशन को। तो जितने भी आपके फेस के ऊपर मसल्स हैं मैस्टिकेशन के, वो आपके फर्स्ट फ्रिंजल आर्च से डेवलप होते हैं। अब आ जाओ सेकेंड फ्रिंजल आर्च की तरफ। सेकेंड फ्रिंजल आर्च जो है उससे जो नर्व बनती है उसको हम कहते हैं 7th क्रेनियल नर्व। 7th क्रेनियल नर्व आपकी है फेशियल नर्व, और आपको ये पता है कि फेशियल नर्व से मसल ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन बनती है। तो जितने भी आपके फेशियल एक्सप्रेशन के मसल हैं वो सारे के सारे फेशियल नर्व से बने सप्लाई होंगे और सेकेंड फ्रिंजल आर्च से बने। थर्ड वन जो है वो एक ही मसल है छोटा सारा, तो बड़ा स्टाइलिश सा मसल है, और उसको हम कहते हैं स्टाइलोफ्रेंजियस मसल। वो सप्लाई होता है 9th क्रेनियल नर्व, बस इतना ये ध्यान में रखना। स्टाइलोफ्रेंजियस मसल 3rd क्रेनियल आर्च से बनता है, एक ही मसल बनता है, और इसकी नर्व है 9th क्रेनियल नर्व, ग्लॉसोफ्रेंजियल। फिर पीछे रह जाती है 4th फ्रेंजियल आर्च, जो 4 और 6 का कॉम्बिनेशन है। इससे जो बनेगा वो आपके मसल्स बनेंगे आपके लेरिंग्स के मसल्स। लेरिंग्स वो पार्ट होता है जिससे आप बोल रहे हो, ये बातें कर रहे हो, ये वॉइस बॉक्स में जितने भी लेरिंजियल मसल्स हैं आपने भी पढ़े, क्रिको थायराइड रेटिनॉइड, ये मसल्स जितने भी हैं ये बनेंगे, कंस्ट्रिक्टर्स बनेंगे, और फेरिंग्स के मसल्स बनेंगे। तो ये सारे के सारे सप्लाई होते हैं वेगस नर्व, और वेगस नर्व का मतलब है 10th क्रेनियल नर्व। तो बहुत आसान है ये, आप ऑड नंबर्स देखें, 1 फर्स्ट फ्रिंजल आर्च से बनेगी आपकी 5th क्रेनियल नर्व जो सप्लाई करती है मसल ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशंस और कुछ हेड एंड नेक के मसल। जो 7th क्रेनियल नर्व है वो 2nd फ्रिंजल आर्च से बनी और उससे सप्लाई हो रहे कौन से मसल्स, फेशियल एक्सप्रेशन और कुछ नेक के मसल्स भी। जो 3rd फ्रिंजल आर्च है उसे स्टाइलोफ्रिंजियस मसल बनता है और उसको सप्लाई करती है 9th क्रेनियल नर्व। जो 4 और 6 यानी 4th फ्रिंजल आर्च है उससे बनेंगे वो मसल्स जो आपके नेक के मसल्स हैं, खास तौर पर जो वेगस नर्व से सप्लाई होते हैं, और फेरिंग्स के मसल हैं और लेरिंग्स के मसल हैं। तो ये सारे के सारे मसल्स जो हैं वो वेगस नर्व से सप्लाई होते हैं 10th क्रेनियल नर्व से। तो ये तो थी मस्कुलर डेवलपमेंट ऑफ हेड एंड नेक। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है ट्रंक के मसल्स को सप्लाई करना। ट्रंक के मसल्स कैसे सप्लाई होते हैं उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा आसान कर देता हूँ, और आसान कर देता हूँ, मुझे खाली स्पेस मिल जाए तो मैं आपको उसके अंदर थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि मसल जो ट्रंक के होते हैं वो कैसे बनते हैं। मैं दोबारा यहाँ पर एक डायग्राम बनाने लगा आप लोगों को, अगर आपको समझने में आसानी है। ये ब्लू कलर से मैं यहाँ पर एक नोटोकॉर्ड बना रहा हूँ, दिस इज नोटोकॉर्ड। इसके ऊपर है एक्टोडर्म, ठीक है, एक्टोडर्म। ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं क्या आपको नजर आ रहा है? यस सर। ठीक है, अच्छा, इसके साथ मैं आप ड्रॉ करने लगा हूं यहां पर मेसोडर्म। तो ये मैंने मेसोडर्म बनाई, ये बनी आपकी पैराएक्सियल मेसोडर्म जिसे सोमाइट्स बनेंगे, इसके साथ बनी आपकी इंटरमीडिएट मेसोडर्म, उसके बाद आपकी बनी लैटरल प्लेट मेसोडर्म, ठीक है, लैटरल प्लेट मेसोडर्म। ये थी आपकी सोमैटिक और ये थी आपकी स्प्लैंकनिक। अब हमने बनाना है एंडोडर्म को, तो ग्रीन कलर में यहां पे मैं एंडोडर्म बना रहा हूं, मैंने ई से ये लिख दिया है।
अब यहां गौर से देखने में क्या करने लगे, ये जो आपकी ये वाली है पार एक्सियल मेसोडर्म, ये बनाएगी एक सोमाइट, इसको हम कहते हैं सोमाइट, वो जो आपने बीडेड छोटे छोटे दाना की तरह स्ट्रक्चर्स देखे थे। ये सोमाइट जो है फर्दर डिवाइड करेगा, इसको हम थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं तो किस तरह बनता है, ये सोमाइट जो है ये डिवाइड होगा दो पोर्शन में, इस तरह और इस तरह। ये सोमाइट हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर, इस हिस्से को कहते हैं डर्मोमायोटोम और इस हिस्से को हम कहते हैं स्क्लेरोटोम। स्क्लेरोटोम से बनेगा स्केल्टल, स्केल्टन बनेगा, और डर्मोमायोटोम से बनेगा स्किन एंड मसल्स। डर्मा मींस स्किन, एम स्टैंड्स फॉर मायोटोम, ठीक है, तो डर्मोमायोटोम से बना स्किन एंड मसल्स। इसको आप फर्दर डिवाइड करते हैं, अलग अलग करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी। ये बनी डर्माटोम, ये बनी मायोटोम, ये बन गया स्क्लेरोटोम। डर्माटोम, मायोटोम, स्क्लेरोटोम, और यहां पड़ी है आपकी नोटोकॉर्ड। इसी तरह दूसरी साइड पे भी डर्माटोम, मायोटोम, स्क्लेरोटोम, और इसके ऊपर क्या पड़ा हुआ है हमारी एक्टोडर्म। अब जरा गौर से देखो, फ्रॉम सुपरफिशियल टू डीप, सबसे ऊपर होती है स्किन। स्किन की जो एपिडर्मिस है वो बनती है एक्टोडर्म से, जो डर्मिस है वो बनती है डर्माटोम से, और जो फिर नीचे देखो तो मसल्स हैं तो मसल्स बनते हैं मायोटोम से। इसके नीचे एक और टोम लगा दो, सिंडस्टोम। अब ये सिंडस्टोम क्या है, टेंडन्स के लिए। तो मसल्स को स्केल्टन के साथ क्या चीज जोड़ती है, टेंडन्स। तो सुपरफिशियल टू डीप देखें सिर्फ इस सोमाइट के अंदर, तो सबसे सुपरफिशियल डर्माटोम यानी इसमें डर्मिस बनानी है स्किन की नीचे वाली लेयर, उसके बाद आती है मायोटोम जिसमें मसल्स बनाने हैं, फिर आती है मसल्स को जोड़ने के लिए स्केल्टन के साथ सिंडस्टोम जिसमें टेंडन्स बनेंगे, और फिर एंड में यह है स्क्लेरोटोम जिससे बनेगा स्केल्टन, स्केल्टन बनेगा पूरा। जब ये स्केल्टन बनेगा तो मसल्स उसके साथ टेंडन्स के थ्रू अटैच हो जाएंगे। ये थी हमारी मसल्स की डेवलपमेंट इन ट्रंक। अब देखो फर्दर, हम फर्दर अब सिर्फ मायोटोम को पढ़ेंगे। मायोटोम को हम कैसे पढ़ते हैं ये देखिए आप, मेरे पास स्पेस खत्म हो रही है लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। ये मायोटोम को मैं यहां लेकर आ रहा हूं, ये मायोटोम है, इसके मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मायोटोम, या मैं कलर भी चेंज कर देता हूं। ये जो मैंने कलर ग्रीन किया है और यहां पे मैंने एक कलर किया है ब्लू, ये मैंने मायोटोम को डिवाइड किया है। मायोटोम किसके अंदर पड़ी हुई है, सोमाइट्स के अंदर पड़ी हुई है। ये जो है पोर्शन है इसको कहते हैं एफ एक्सियल, और ये वाला जो पोर्शन है ये है हाइप एक्सियल, ठीक है। दोबारा ऊपर डायग्राम पे आ जाओ, अब ये वाला था ब्लू वाला हाइप एक्सियल, और जो ये ग्रीन वाला था पोर्शन ये वाला था आपका एप एक्सियल। एप एक्सियल जो है वो इसकी तरफ चला जाएगा, और जो आपका ब्लू वाला पोर्शन है यानी कि हाइप एक्सियल वो बाहर की तरफ चला जाएगा, जहां पर पड़ी है आपकी कौन सी लेयर, लेटरल प्लेट मेसोडर्म पड़ी हुई, जहां ऐसे करके। अब जरा गौर से देखना मैं क्या करने लगा हूं, ये जो आपका एप एक्सियल है ये बनाएगा आपके वो मसल्स जो डीप मसल्स होंगे स्पाइन के साथ, स्पाइनल कॉर्ड के साथ जो डीप मसल्स हैं ये वो बनाएंगे एप एक्सियल जो है। क्लियर हो गया पॉइंट, ये एप एक्सियल जो है मसल्स ये वो मसल्स हैं जो डीपेस्ट हैं, जैसे इरेक्टर स्पाइनी मसल जिसने आपके स्पाइन को इरेक्ट करना है, आपके सब ऑसिपिटल ट्राइंगल के अंदर जो मसल्स पड़े हुए हैं वो बनाएंगे, रेक्टस कैपिटिस पोस्टीरियर माइनर, रेक्टस कैपिटिस पोस्टीरियर मेजर, स्क्लीना, ये जितने भी छोटे छोटे मसल्स हैं
डीप मसल हैं हेड एंड नेक के और ट्रंक के, ये आपके बनते हैं एपेक्सियल से, क्योंकि देखो ये बिल्कुल स्केलेटन स्केलेटोन के साथ आ गया, और स्केलेटोन से यहाँ बन रहा है स्पाइन, स्पाइन बन रहा है यहाँ पर, ये देखो स्पाइन बन गया, स्केलेटोन ने स्पाइन बनाया, और ये मसल जो थे वो इसके साथ आके डेवलप कर गए डीप मसल ट्रंक के। अब बात आती है हाइपेक्सियल की, हाइपेक्सियल से वो मसल बनते हैं जो आपके ट्रंक के बड़े मसल, फॉर एग्जाम्पल ये मसल बाहर चले गए रिब्स के पास, तो रिब्स के अंदर जो मसल्स पड़े हुए हैं उनको हम क्या कहते हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स। ये हाइपेक्सियल की बात हो रही है, ये वाला मायोटोम का जो ये हिस्सा है। फिर ये पेट के बाहर चले गए तो पेट के एक्सटर्नल मसल्स बना दिए, जिनको हम कहते हैं वो आपके एक्सटर्नल ओब्लिक इंटरनल ओब्लिक ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल, ये बना रहे हैं हाइपेक्सियल, ठीक है। और बैक की तरफ आ जाओ तो जो बैक के मसल्स हैं आपके बड़े बड़े, जिसमें आपने पढ़ा होगा लैटिस मस्टोरसाई, ठीक है, ट्रेपीजियस, ये सारे मसल्स आपके बन रहे हैं, तो ये हाइपेक्सियल से बन रहे हैं। एक मसल और है जो आपकी ब्रीदिंग में हेल्प करता है, एंड दिस मसल इज कॉल्ड डायफ्राम। तो जो डायफ्राम है वो भी आपका हाइपेक्सियल जो पार्ट है मायोटोम का उससे बनता है। एपेक्सियल से क्या बनता था, द डीपेस्ट मसल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड हेड एंड नेक, बैक के डॉर्सल रीजन के। तो ये थी हमारी ट्रंक की डेवलपमेंट, द डेवलपमेंट ऑफ द मस्कुलेचर ऑफ द ट्रंक, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एब्डोमेन थोरेक्स, जितना भी आपका ट्रंक है। अच्छा, ये जो पोर्शन था जो मैंने कहा था कि आपका लैटरल प्लेट मेसोडर्म की तरफ चला जाएगा, सोमेटिक जो इसकी पार्ट है, ये बनाएगा लिम्ब के मसल्स, अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब। तो हमारा जब तीसरा टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ लिम्ब।